भवानी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ लेयर पराठा, जिसके लिए मैं लूँगी मैदा 4 कप। आप चाहे तो इसको फाइन आटे पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे के पराठे जो बनते हैं ना, वो ज़रा ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। एक टीस्पून नमक, एक टेबलस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून खुश्क दूध। अगर आप चाहें तो रेगुलर दूध भी डाल सकते हैं, तो वो उसमें आपको आधा कप डालना होगा वो दूध। 1/4 कप घी। अब इसका मैं नॉर्मल डो तैयार कर लूँगी। ये मैंने नॉर्मल डो तैयार कर लिया है, उसको मैं हल्का सा घी लगा के और इसको ढककर और 15 मिनट के लिए अब हम इसको रख देंगे। इसको 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको खुश्क छिड़क के इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। लेयर पराठा जो होता है ना, वो थोड़ा मोटा होता है। अच्छा, इसकी खुश्की में हम मैदा नहीं छिड़केंगे बल्कि फाइन आटा छिड़केंगे, और इसके लेयर में भी घी लगाना चाहिए। ऑयल की निस्बत घी से इसके लेयर अच्छे खुलते हैं। इसको हम पहले पतला बेलेंगे। बस अच्छा, इसको मैंने ये पतला बेल लिया है। अब इस पर हम घी लगाएंगे। और खुश्की में फाइन आटा छिड़केंगे। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से टैप करेंगे। इसी तरह हम सारे पेड़े बना के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसी तरह ये पेड़े बना लिए, अब इसको मैं 10 मिनट तक रखूँगी, इसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। अब ये पेड़े को 10 मिनट हो गए, अब इसके मैं पराठे बेल रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे खुश्की छिड़कूँगी थोड़ी सी, फिर वापस
लेयर पराठा थोड़ा सा मोटा होता है। इस तरह हम सारे एक साथ बेल कर भी एक साथ फ्राई भी कर सकते हैं। वो मैं ज़रा दो तीन पराठे एक साथ बेल के फिर एक साथ फ्राई करूँगी। इसी तरह से मैंने अब सारे बेल लिया, अब इसको मैं फ्राई करूँगी। अब मैं पराठे को फ्राई करती हूँ। पहले मैं इसको हल्का सा सेक लूँगी, इसके बाद मैं इसमें घी डालूँगी। पराठा मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुका है और देखिए इसके तमाम लेयर्स एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब खुल चुके हैं। अब हर पराठा फ्राई करने के बाद हम ज़रा तवे को साफ करेंगे। अब इसी तरह हम दूसरा पराठा डालेंगे। पराठे तैयार हो चुके हैं और मैं आपको टेस्ट करके बता दूँ। ये देखिए किस तरह मेरे सारे लेयर खुल रहे हैं और किस कदर ये क्रिस्पी पराठा है। सही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं।